नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बोकारो से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखे की दुकानों में आग लग गई है। गरगा नदी किनारे दुकानों में आग लगी है। ये आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर 4 गाड़ियां दमकल की पहुंची है, जो आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत लगातार कर रही है। तो BSCT थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पटाखे की दुकानों में भीषण आग लगी हुई है। गरगा नदी किनारे जो दुकान है पटाखों के, उनमें ये आग लगी की घटना हुई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन जो जद्दोजहद है आग बुझाने की, उसको लेकर मशक्कत लगातार की जा रही है। सूचना मिली कि यहाँ पे पटाखे दुकान में आग लग गई है, इसीलिए हम लोग दीपावली के अवसर पे इसको ओपन में लगाते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना परिघटना न हो। लेकिन ये प्रथम दृष्टया जानकारी मिला, क्योंकि आपदा के तहत कुछ भी संभव हो सकता है। हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला के इसको काबू पा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का जानमाल का कोई क्षति अभी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। बाकी दुकानें कुछ यहाँ पे जली है, फायर ब्रिगेड लगातार इसमें काम कर रही है। अभी भी हम लोग सामने में आप भी देख पा रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से इसको आग पे काबू पा लिया। संजीव, इसी पर और ज्यादा जानकारी। घटना हुई है, पूरी दुकान उसमें जल गई है। इस घटना में 4 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची हुई हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से ये घटना हुई? देखिए शिखा, मैं बताऊं कि बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर बीके तिवारी के घर के बगल में गरगा नदी है, और गरगा नदी के बगल में ही पहला सरजम जगह है, और उसी में जिला प्रशासन के द्वारा कुल 66 दुकानों को लाइसेंस वहां पे दी गई थी, और 66 दुकान में लगभग 40 से 45 दुकानें जल के राख गए। उसमें कह सकते हैं कि जो बारूदी के बारूद का दुकान लगा हुआ था, और उसके जस्ट बगल में हम ये कह सकते हैं कि मंदिर है, काली मंदिर है, वहां पे लोग सिगरेट भी पीते हैं और गांजा भी पिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि सिगरेट पीने के दौरान वह सिगरेट को जला करके तिल्ली फेंक दिया गया है, और ज्वलनशील पदार्थ में पकड़ लेने से लगभग 40 से 45 दुकान जल के राख हो गया है। जो लोग दुकान लगाए थे वह गरीब तबके के लोग हैं, वह लोग जो है सूद पर पैसा लेकर के दुकान लगाए थे कि दीपावली में 2 पैसा कमाएंगे, बाल बच्चे को खिलाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो दुकान लगाए थे उनका दिवाली नहीं दिवाला निकल गया, क्योंकि सारे दुकान जल के राख हो गए, उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हैं, बोकारो विधायक बिरंची नारायण भी पहुंचे हैं, और जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं श्वेता सिंह भी पहुंचे। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा जब हमारी बात हुई, जिला प्रशासन ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के द्वारा जो भी हो सकता है इनको हम मदद करेंगे, और उसी में बिरंची नारायण भी ने कहा है कि जो आपदा प्रबंधन जिला प्रशासन के द्वारा उन्होंने मांग किया है कि जो भी गरीब तत्व के लोग दुकान लगाए थे, जो जल के राख हो गए हैं, उनको आपदा प्रबंधन के द्वारा से उनको कुछ न कुछ मुआवजा उनको मुहैया कराया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 से 45 दुकान जब जल गए हैं तो काफी गरीब लोग लगाए थे। अब जो है जिस तरह से पटाखे में आग लगे तो पटाखा आवाज भी कर रही थी, लोग सपने को तैयार नहीं थे। BSL के दमकल की गाड़ी, जिला प्रशासन की दमकल की गाड़ी, कुल 4 दमकल की गाड़ी यहाँ लगाए गए हैं, और अभी तक आग भी जो है आग पर काबू पा लिया गया है। मौके बर्दाश्त पर जिला प्रशासन मौजूद है। अब लिस्ट बनाया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा इनको जो मुहैया हो सकता है करवाने की कोशिश की जा रही है। जी शिखा, बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।